नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंकिंग सक्सेस में। दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों जैसे आपको पता है कि SBPO 2019 की वैकेंसी आ चुकी है और 2000 वैकेंसी आई हुई है। ऑल डाउट क्लियर सेशन रहेगा ये, और जो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर सेक्शनल कटऑफ है या नहीं, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अपने आ चुके नोटिफिकेशन पे, हर एक चीज़ जो अपने काम की है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 2/4/2019 से 22/4/2019 तक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म, ठीक है। लास्ट तारीख है 22। इसके बाद आगे देखिए इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे डेट्स, सारी की सारी डेट्स मेंशन की हुई है। 2 से 22 तक फॉर्म की डेट है। वो जो डाउनलोड फॉर कॉल लेटर्स फॉर प्री ऑनलाइन प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा आपका, प्री का एग्जामिनेशन, उसके जो कॉल लेटर वो 3rd week of May 2019 से स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑनलाइन प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है आपका 8, 9, 15 और 16 जून को रहेगा। 8, 9, 15, 16, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का आएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मेंस के जो कॉल लेटर है वो आपके डाउनलोड होंगे 2nd week of July, ठीक है। और जो आपका ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन है वो 20/7/2019 को है, ठीक है। इसके बाद देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन 3rd week of August 2019, डाउनलोड फॉर कॉल लेटर फॉर ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू 4th week of August 2019, ठीक है। इसके बाद आपको जो कंडक्ट ऑफ ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू वो आपका होगा सितंबर 2019 में, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट 2nd week of October 2019। देखिए यहाँ पे अप्रैल से अक्टूबर के बीच पूरी वैकेंसी आपकी कंडक्ट करवा ली जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो आपके पास अब 2 महीने का टाइम है। SBPO करेक्ट करने के लिए सिर्फ 2 ही मंथ का टाइम है, उसके बाद प्री एग्जामिनेशन आपका आ जाएगा और 4 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस इसका हो जाएगा, यानी अक्टूबर के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। तो ये आप जो चीज़ें आपको पहले बताई गई थी कि SBPO बहुत सारे लोग बोल रहे चुनाव इलेक्शन है तो नहीं आएगा, ये फेक वीडियोज है, ये वो है, तो देखिए ये वैकेंसी आ गई। अब जल्दी RBI की आएगी, उसके बाद SBI क्लर्क भी जल्दी आने वाला है, तो आप इस प्रिपरेशन करते रहिए और ये चीज़ें मत देखिए ये फेक वीडियो। ये हमारा काम है कि आपको अपडेट रखना कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, वो चीज़ें हम करते रहेंगे अपने टाइम टू टाइम। आपको ये चीज़ करनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए आगे इसके अंदर मेजर चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। वैकेंसी देखिए यहाँ पे 2000 टोटल वैकेंसी है। जनरल की 810 है, EWS की 200 है, OBC की 540 है, ST की 150 है, SC की 300 वैकेंसी है, ठीक है। और ये वैकेंसियाँ टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती है आगे। इसके बाद आगे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए जो भी लोग फाइनल के अंदर वो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी फाइनल ईयर के अंदर अगर उसका रिजल्ट जो भी फाइनल ईयर के अंदर है उसका रिजल्ट जो है वो 31/8/2019 यानी अगस्त तक उसका रिजल्ट आ जाएगा तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है जो भी फाइनल ईयर सेमेस्टर में है अपनी। इसके बाद आगे देखिए इसके अंदर यहाँ पे परसेंटेज वगैरह उन्होंने नहीं मांगा है, ठीक है। इसके अंदर लो विजन, ये आपकी जो इसके अंदर कुछ नहीं है। देखिए ये एक नॉर्मल पर्सन है तो वो इसको फॉर्म को फिल कर सकता है, ये सारी चीज़ें सिर्फ नॉर्मल पर्सन के लिए है, इसके अंदर बाकी कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें अपने देख सकते हैं यहाँ पे, हियरिंग का ऑप्शन है तो अपने अच्छे से सुन भी सकते हैं, तो वो सारी नॉर्मल पर्सन के लिए इम्प्लीमेंट है। अब आगे देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, ये कोड दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए कैटेगरी वाइज कोड है, जो भी जिनकी कैटेगरी है यानी जर्नल है तो उसका कोड 16 रहेगा, EWS 21 रहेगा, तो ये सारे कोड्स वगैरह हैं कैटेगरीज के। अब देखिए यहाँ पे जो प्री का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है। प्रीलिम्स के अंदर इन्होंने क्या बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज 20 मिनट का टाइम रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांट एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 20 मिनट का टाइम, रीजनिंग एबिलिटी 30-35 क्वेश्चन 20 मिनट का टाइम, यानी टोटल 1 घंटे का टाइम है। मैक्सिमम मार्क्स हो गए और मैक्सिमम क्वेश्चन भी 100 है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सर सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं,
तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्रीलिमिनरी एग्जाम, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। बहुत ही बढ़िया न्यूज है ये, कि पहले एस बी कलर के अंदर होता था कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इस बार एस बी पी ओ के अंदर भी है कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। कैंडिडेट नंबर टेन टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी अप्रोक्स इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर मैन एग्जामिनेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अबव मेरिट लिस्ट, यानी 20,000 बंदे प्री के अंदर सेलेक्ट किए जाएंगे, 2,000 वैकेंसी है, 10 टाइम लिया जाएगा, टोटल जो लिए जाएंगे 20,000 व्यक्ति लिए जाएंगे प्री के एग्ज़ाम के अंदर। तो अब देखिए आपको उन 20,000 के अंदर आना है, तो देख लेना सेक्शनल कट ऑफ इसके अंदर नहीं रहेगी, तो इसके अंदर जो भी टॉप के 10% होंगे वैकेंसीज के उनको लिया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे भी नहीं रहेगी, और यहाँ पे आपका जो कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 60 मिनट का टाइम, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटिंग 45 क्वेश्चन 60 मिनट का टाइम और 45 मिनट का टाइम रहेगा, सॉरी जनरल इकोनॉमीज एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 45 मिनट का टाइम, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मिनट और 40 ही मार्क्स का टाइम रहेगा, यानी टोटल आपके 125 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 3 घंटे का टाइम रहेगा। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका 30 मिनट का अंदर होगा, और इसके अंदर लेटर और ऐसे आपसे लिखाया जाएगा, ये कंप्यूटर के ऊपर ही करवाया जाएगा। यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे अपने को मेंशन किया होगा, एक बार मैं ऊपर से देख लेते हैं अपने। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो आपका है वो नॉट बिलो 21 ईयर एंड नॉट अबव 30 ईयर्स, यानी 21 से कम आप नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा आप नहीं होनी चाहिए। ये कब होना चाहिए? 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को। ये आपको रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा इस पर। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द मेन एग्जामिनेशन, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। मेन्स एग्जामिनेशन के अंदर आपको मेरिट वाइज लिया जाएगा, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आगे देखिए देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स अप्रोक्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी शॉर्ट लिस्ट द ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट टू ए कैंडिडेट स्कोरिंग द मैक्सिमम एग्रीगेट क्वालिफाइड स्कोर। देखिए 3 टाइम्स लिया जाएगा, यानी 6,000 व्यक्ति जो है वो मेंस के बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी अप्लाई क्या कर सकते हैं, वो सिलेक्टेड करेंगे 6,000 व्यक्तियों को, कोई सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। ग्रुप एक्सरसाइज आपकी 20 मार्क्स की होगी, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन बन के आएगा। यहाँ पे देखिए आगे उन्होंने क्या बताया, मार्क्स स्कोर्ड बाई ए कैंडिडेट बाई द मेन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 250 100 मार्क्स आर कन्वर्टेड टू द आउट ऑफ 75 मार्क्स एंड ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू स्कोर ऑफ कैंडिडेट आउट ऑफ 50 मार्क्स आर कन्वर्टेड टू 25 मार्क्स। अब देखिए पहले 80 जो रेशियो होता था वो 80-20 का होता था, इस बार 75-25 का कर दिया, यानी इस बार मेन एग्जामिनेशन भी इम्पोर्टेंट है और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 75 नंबर आपके मेन एग्जामिनेशन के बनेंगे 250 में से, ठीक है, और 25 नंबर आपके होंगे ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के, यानी इनको मैक्सिमाइज करके ये स्कोर आपका फाइनल बनाया जाएगा। यहाँ पे सेंटर वगैरह आपके जो भी है वो आ जाएंगे। फीस के पहले अपने सैलरी की बात करेंगे, देखिए सैलरी जो यहाँ पे 13.8 लाख मैक्सिमम है इसके अंदर, यानी 1 साल का पैकेज है, 13 लाख रुपए मैक्सिमम की बात हो रही है, ठीक है, और मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे 42,000 अब तो दिखा रखी है इन्होंने, बाकी आगे और भी ज़्यादा सैलरी हो सकती है इसकी, क्योंकि एस बी पी ओ की वैकेंसी है ये। यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड करियर पाथ, तो यहाँ पे जो बात कर लेते हैं अपने, तो द सिलेक्शन कैंडिडेट द टाइम्स ऑफ ज्वाइनिंग भी हैल एक्सिट बॉन्ड फॉर ए वैल्यू ऑफ 2 लाख टू सर्व द बैंक ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 2 लाख रुपये का बॉन्ड आपसे करवाया जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। यहाँ पे फीस जो 125 रुपये एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए, जनरल के लिए 750 रुपये, ई डब्ल्यू सी ओ बी सी तीनों के लिए 750 रुपये रहेगी, ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इसके अंदर, ना ही आपकी कोई फीस वापस की जाएगी। प्री एग्जामिनेशन के ट्रेनिंग सेंटर आपको पता ही है, यहाँ पे इतने जो ट्रेनिंग सेंटर है वो यहाँ यहाँ पे है,
अब यहाँ पे बात कर लें कि ये देखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस हो या जर्नल हो या जर्नल पीडब्ल्यूडी हो, तो आपको कुछ जो चांसेस मिलेंगे, अगर जर्नल कैटेगरी से हो तो 4 बार आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर जर्नल पीडब्ल्यूडी से हो 7 बार कर सकते हो, ओबीसी 7 बार, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 7 बार, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी नो रेस्ट्रिक्शन, यानी कितने भी बार आप अप्लाई कर सकते हो अगर एससी एसटी से हो। अब यहाँ पे अगर बात आती है सर, ये कंडक्ट जो होता है ये कौन सा होता है, तो ये सर जब आपका प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और मेंस के अंदर आप प्रीइंग होते हो, वो आपका क्लियर किया जाएगा। अगर प्री के अंदर आप फेल हो जाते हो, वो क्लियर आपका जो है कंडक्ट किया हुआ एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट सॉरी वो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपने कर चुके हैं। अब देखिए, कोई भी अगर मेन इन्फॉर्मेशन रहती है जो आपके काम की है यहाँ पे, तो वो अपने जरूर डिस्कस करेंगे, बाकी तो सभी नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ें होती होती है। अब यहाँ पे आपके प्रीवियस सेंटर है वो दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि राजस्थान के अंदर यहाँ पे बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, बठिंडा यहाँ पे सेंटर है, पंजाब के अंदर अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, तो ये आपके सेंटर दिए हुए हैं, बाकी कुछ भी इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर जो नए चेंजिंग चाहिए वो एक तो फीस का इन्होंने चेंज किया कि जनरल की बढ़ा दी है और उनकी कम कर दी है सीटी वालों की, और दूसरा जो चेंजेस है नौ सेक्शन कट ऑफ, बहुत ही अच्छी बात आपके लिए, अब आप प्रिपरेशन करिए बहुत अच्छे से, और एस बी क्लर्क भी जल्दी आने वाला है, आरआरबी पीओ भी आने वाला है, तो प्रिपरेशन में लग जाइए। बस अब ये मत देखिए कौन सी वैकेंसी आने वाली है कौन सी नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।